शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। तब दाऊद ने अपने संघ के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिपाई तो योआब के और एक तिपाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अभिषय के और एक तिपाही गति इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, क्योंकि हमारे सरीखे 10,000 पुरुष है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1,000-1,000 करके निकलने लगे। और राजा ने योआब अभिषय और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। सो लोग इसराइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेम नाम वन में युद्ध हुआ। वहां इसराइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनमें से भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा? फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया? तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1,000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषय और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यो ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूका और लोग इसराइल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है और लाठ का अपना ही नाम रखा और आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है। और सदोक के पुत्र अहिमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा के न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएंगे, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर
राजा को बता दे, तो वह कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहिमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहिमास दौड़ा और तराई से होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता है। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदक के पुत्र अहिमास का सा है। राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहिमास ने पुकार के राजा से कहा, कल्याण। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशालोम का कल्याण है? अहिमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यही खड़ा रहा, और वह हटकर खड़ा रहा। तब कुशी भी आ गया, और कुशी कहने लगा, हे मेरे प्रभु, राजा के लिए सुसमाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम कल्याण से है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यो कहता गया कि हाय हाय, मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे हाय, मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे।